अरे और भाई अमीन भाई कहाँ से आ रहे हो? पीछे गली में जो लियाकत भाई रहते हैं ना, उनके बेटे को बता रहे हैं कोरोना वायरस हो गया। उस चक्कर में पुलिस वाले पूरे घर को उठा कर ले गए। बस वही सब देख रहा था। अगर लियाकत भाई की लड़के की तबीयत खराब थी तो सारे घर वालों को क्यों उठा के ले गई पुलिस? पता नहीं ये पुलिस और सरकार चाहती क्या है, सारा शहर बंद करके रख दिया। अरे यार तुम अपनी चाल चलो। भाई बाहर देख कर आ रहा हूँ, बाहर निकलने का नहीं है। पुलिस बहुत ही मार रही है। यार ये पुलिस मार क्यों रही है? अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये बीमारी है क्या। आखिर ये सारा शहर बंद क्यों कर दिया यार? लियाकत भाईया अपने प्रोफेसर साहब भी थे, एक बार सोचा हूँ फोन करके उनसे पूछता हूँ कि आखिर बीमारी है क्या। हेलो प्रोफेसर साहब। हाँ बोलो। वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो आजकल चल रहा है सब जगह, और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके बारे में भी कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। आप आ जाओ घर पर, मैं डिटेल में समझा दूंगा। मैं भी आजकल घर पर बैठा हूँ, आजकल यही काम कर रहा हूँ। आओ प्लीज कम, सबको ले आओ साथ में, मैं समझा देता हूँ सबको। ठीक है ओके। अरे आ गए आप लोग, आइए प्लीज कम। हाँ तो मिस्टर जमाल, मिस्टर यामीन, आप लोग आए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि कोरोना है क्या। कोरोना वायरस एक महामारी है और ये WHO ने जिसे डिक्लेयर किया महामारी, तो ये फैल चुकी है। ये कैसे फैलता है? लोगों के खांसने से, छींकने से। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसने अगर छींक दिया है तो आसपास जितने लोग खड़े हैं वो सब उसके उससे इन्फेक्शन से कोई बच नहीं पाएगा। और सपोज उसने किसी सरफेस पे हाथ लगा दिया है, मेटल सरफेस पे हाथ लगा दिया है, तो अगर किसी ने टच कर लिया है तो आप भी उसके संपर्क में आ जाएंगे। इसलिए कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे लोगों की जान चली जाती है। ये एक बहुत खतरनाक वायरस है जो आपके थ्रोट में और आपके साइनस एरिया में जाके बैठ जाता है और धीरे धीरे वहां से उसको एरिया को डैमेज करके और दो से तीन दिन के अंदर आपके लंग्स में उतर जाता है। अगर ये लंग्स में उतर गया एक बार तो फिर आप इससे बच नहीं पाएंगे। इतनी खतरनाक महामारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है। और फिर जितने भी लोगों के आप संपर्क में आएंगे वो सारे के सारे उस कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएंगे। अच्छा ये पुलिस घर से निकलने वालों को मार क्यों रही है? ये पुलिस अब हमारी सुरक्षा के लिए है। पुलिस जो सरकार का आदेश है उसको इम्पोज करा रही है ताकि ये कोरोना जो है एक दूसरे से ना फैले। पुलिस चाहती है कि आप जरा सोशल डिस्टेंस बना के रखें, और जो सरकार ने लॉकडाउन कराया है तो लॉकडाउन के थ्रू आप अपने घरों में बैठिए तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे रही है यहाँ पर कि आप बीमारी से बचें। ये भी काम पुलिस कर रही है कि आप लोगों के संपर्क में ना आए और घरों से बाहर ना निकले, इसलिए पुलिस आपको इसका पालन करने के लिए बोलती है। अच्छा ये जनता कर्फ्यू क्या है? जनता कर्फ्यू इसलिए है कि ये महामारी जो है एक दूसरे में ना फैले और आप लोग अपने घरों में रहें। एक कर्फ्यू की तरह एक लॉकडाउन है, ये कर्फ्यू है जनता के लिए कि जनता एक दूसरे के संपर्क में ना आए। एक दूसरे के संपर्क में आएगी तो ये कोरोना वायरस की बीमारी जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से जल्दी फैलती है। तो इसलिए बेटर है ये जनता कर्फ्यू का पालन करें, सरकार की गाइडलाइन का फॉलो करें और अपने घरों पर बैठें। ये जनता कर्फ्यू का मेन रीजन है। हमें तो लगा था ये कोई आम बीमारी है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है अभी लोग समझ नहीं पा रहे। कोरोना वायरस को लेकर लोग तरह तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस मजाक कर रहे हैं, ये उन्हें पता ही नहीं है कितनी सीरियस बीमारी है और इस ये कितने पूरी दुनिया में फैल चुकी है और कितने कंट्रीज से अफेक्टेड हैं। आप देख लीजिए इटली, चाइना, स्पेन, पूरा यूरोप इससे परेशान है। वो तो कितने विकसित देश हैं, हम लोग तो विकासशील हैं, वो विकसित देश हैं, वो इस बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो हम अगर हमने हमारे यहाँ ये एक महामारी की तरह फैली तो हम कैसे बचाव कर पाएंगे? हमारे यहाँ बहुत सारी डेथ्स हो जाएंगी, इसको हम नहीं रोक सकते। तो इसलिए बेटर है कि बचाव से ही आप आगे अपनी जानकारी से ही अपना बचाव कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप इसको एक सीरियस बीमारी की तरह लें, एक सीरियस महामारी की तरह लें और इसमें किसी भी तरह का मजाक नहीं करें और सरकार की गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करें। सर किसी को कोरोना वायरस लग गया है ये कैसे पता चले? कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको लगे कि किसी को खांसी है, बुखार हो रहा है, छींक आ रही, कोल्ड हो गया है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप इमीडिएटली अगर फैमिली में है तो उसको एक आइसोलेट कर दें, एक अलग कमरे में उसको जगह दे दें और उसका खाना पीना बिल्कुल अलग कर दें
और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के की सलाह लें और उसके प्रॉपर चेकअप कराएं। आप प्रॉपर मास्क लगाइए, प्रॉपर अपने हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज किए अपने आसपास के एरिया को, अपने घर आसपास में सफाई रखिए ताकि ये आपके थ्रू दूसरे को ना फैले और दूसरे से आपको ना फैले। इससे जितना भी बचाव किया जाएगा, प्रॉपर आप अपने आसपास के एरिया को साफ रखेंगे सफाई से, ये दूर भागेगी बीमारी। आपको नहीं पता कि आप बाहर गए हो कोई कौन कोरोना वायरस पेशेंट है, वो उसने सपोज वहाँ छींक दिया तो वो इन्फेक्शन लेके आप इधर से उधर घूमते फिरेंगे। तो इससे बचाव का तरीका है कि आप डिस्टेंस पर रहिए, प्रॉपर मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए, आसपास के एरिया को सैनिटाइज कीजिए, जिससे आप इससे अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें।